एवरीवन, कैसे आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ, डोरिस क्रिएटिविटी चैनल पे। आई होप आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। तो और कैंडल वीडियो के साथ जुड़ रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए फिर आज एक और कैंडल बनाते हैं कुछ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन कलर। यहाँ पे मैंने ऑयल अप्लाई कर लिया है। उसके बाद सेम प्रोसेस में जो कि मैंने हमेशा अभी जो कैंडल बना रही हूँ, हैंडमेड कैंडल तो दिखा रही हूँ, सेम प्रोसेस में आपको करना है। यहाँ पे मैंने ऑयल अप्लाई करने के बाद ये वैक्स को गर्म किया है, ग्रीन कलर लिया है। तो उसके बाद सूख जाने के बाद जमीन मन भी चली, लेकिन कटिंग ही कर तो जमीन मन भी डाल ये वाला बड़ा है थोड़ा मेरे पास, ये वाला सांचा। तो यहाँ पे ऑयल इसलिए मैं डाल रही हूँ जो कि चिपके ना टाइल्स के ऊपर, ये वैक्स। तो यहाँ पे देखिए सूखने के बाद इस टाइप से आपको कटिंग कर लेना है, और थोड़ा सूखने के बाद ही करना है। बहुत ज़्यादा सूखना भी नहीं, ड्राई हो जाने से टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से सूख गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है ग्लास। तो ग्लास के ऊपर मैं स्टेप से बना रही हूँ, जैसे मैंने उस बार प्लेन कटिंग करके दिखाया था, मैंने बनाया था। तो यहाँ पे स्टेप से सांचे में कटिंग करके मैंने स्टेप से इसको डाल दे रही हूँ। तो चलिए आगे का वीडियो देखिए गाइस। तो यहाँ पे मैंने कांच का ग्लास यूज़ किया है, आप चाहे तो स्टील का ग्लास भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैं देखिए मैं यहाँ पे बड़ा वाला कांच का ग्लास यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस टाइप से चिपका देने के बाद इस टाइप से लग रहा है, और इसको थोड़ा देर सूखने के बाद मैं खोल रही हूँ। तो इस टाइप से हल्का सा आपको टान के निकाल लेना है। तो देखिए देखिए सारा मैंने बना लिया है छोटा बड़ा साइज में। ये वाला साइड साइड का है छोटा ग्लास में, और ये है बड़ा वाला ग्लास का। तो इस टाइप से बना लिया है। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने लिया है पिंक कलर का वैक्स को गर्म कर लिया है। मैंने वैक्स गर्म करने के बाद पिंक कलर ऐड कर लिया है गाइस। सेम प्रोसेस में यहाँ पे कटिंग कर लेना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट वाला लास्ट वीडियो में, जो कि मैंने रोज़ कैसे कटिंग किया था। तो यहाँ पे छोटा बड़ा मैं दोनों साइज़ का कटिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने अलग अलग बनाऊँगी। यहाँ पे देखिए इस स्टेप से सबसे पहले बड़ा वाला को निकाल लेने के बाद इसको मैं रोज़ बना लूँ, रोज़ का फ्लावर शेप में बना लूँगी। यहाँ पे देखिए स्टेप से सूख गया है, थोड़ा मैंने मोटा करके काट लिया है इसको। सो गाइस ये गरम गरम है, तो मैं इसको देखिए अभी ही बना के रख दूँगी, नहीं तो ठंडा होने से फिर इसको फिर चिपकाओ मैंने डिप करना पड़ेगा वैक्स गरम करने के बाद। तो अभी मोटा मैंने कट लिया है, तो मैंने इसको कटिंग किया है, तो ये गरम है तो अभी भी बन जाएगा। तो यहाँ पर छोटा वाला सबको मैंने स्टेप से देखिए स्टेप से मोड़ ले रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा है तो स्टेप से उसको गोल करके नहीं बनाएंगे। तो मैं इसको छोटा फ्लावर भी चाहिए, तो स्टेप से बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा तो मैंने ऑयल अप्लाई किया था, तो चिपक मैंने फिसल रहा है, हाथ से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप से जैसे भी डिज़ाइन में आप बना सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है स्टेप से बनाने में भी। देखिए हल्का पिंक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से बन के ये वाला फ्लावर रेडी हो गया है। और नेक्स्ट मैंने इस टाइप से कटिंग करने के बाद आपको इस टाइप से मैं इसको मोड़ ले रही हूँ, और ये मुझको भी थोड़ा मैंने पतला वाला साइज में चाहिए, तो मैं इस टाइप से भी बना ले रही हूँ। तो ये भी बन गया है, देखिए इस टाइप से बना लिया है मैंने इसको।
तो यहाँ पे देखिए मैंने वैक्स को फिर से गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है गाइस, और यहाँ पे देखिए स्टेप से मैं वैक्स को ठंडा करके स्टेप से फेंट ले रही हूँ। फेंटने के बाद इसको मैं डालूँगी जो मैंने ग्लास का मैंने कंटेनर बना लिया है वैक्स का कंटेनर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेप से डिप करके मैं चिपका दे रही हूँ मैंने धागा को, धागा विक्स कंटेनर को स्टेप से डिप करने के बाद चिपका लेने से स्ट्रेट रहेगा। और थोड़ा सा धागा ज़्यादा लंबा हो गया है तो यहाँ पे कैमरा वीडियो बन पकड़ते नहीं बन रहा है, मेरी बेटी अभी घर में है तो बनता नहीं है। इस स्टेप से काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर लेती है। तो एनीवे बच्चे लोग रहने से इसे होता ही है, तो उसके साथ ही मैं मैनेज करके काम करती हूँ, वीडियो सब बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेप से बीच में आपको रख लेना है इस स्टेप से वैक्स को,